जैन बच्चों, इस समय आप लोग हमारे शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपने बुक को खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है। फिगर देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB, देखिए AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, एक लंब BE है और दूसरा लंब CF है। लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, ये आपको पता है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, BE और CF ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए आकृति 7.32, ये जो आकृति देख रहे हैं यही आकृति 7.32 है। दर्शाइए त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF। ये देखें फिगर में, ये त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये हमको सिद्ध करना है। और फिर ये भी सिद्ध कर देना है कि AB बराबर AC और AB बराबर AC। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले तो प्रश्न में जो चीज़ दी गई है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो लिखा जाएगा कि दिया है त्रिभुज ABC में BE तथा CF, BE तथा CF शीर्ष लंब हैं, शीर्ष लंब हैं तथा ये दोनों आपस में बराबर भी है। प्रश्न में आपको दिया हुआ है BE इज इक्वल टू CF, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। और देखिए पहले में आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। और फिर सेकंड में आपको प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सत्यापन शुरू करेंगे। सत्यापन का मतलब प्रूफ होता है, हम लोगों को प्रूफ शुरू करना है। चलिए तो देखेंगे त्रिभुज ABE और ACF, इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज ACF में। चलिए देखिए, अब ये BE लंब है तो लंब एक तरफ से 90 अंश का कोण बनाता है तो दूसरे तरफ से भी 90 अंश का कोण बनाता है। उसी तरफ से CF भी लंब है, अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है। तो देखा जाए इस त्रिभुज यानी त्रिभुज ABE का कोण BEA या AEB कुछ भी लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखा जाएगा कोण BEA और फिर ये देखिए, तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण यानी त्रिभुज AFC,
ये त्रिभुज कोण, कोण AFC और ये है 90 डिग्री, दोनों का कोण। इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का यह कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और फिर इसके बाद हम देखें, अब अगर यहाँ पर देखा जाए, प्रश्न में आपको दिया है कि BE और CF दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा BE इज इक्वल टू CF। तो यहाँ ये 90 अंश का क्यों है, तो लिख देंगे शीर्ष लंब। इसका कारण ये है कि ये शीर्ष लंब है, और BE बराबर CF इसलिए है क्योंकि ये दिया है, प्रश्न में ही दिया है। और इसके बाद अब थर्ड स्थिति देखिए, यह कोण A त्रिभुज ABE में भी है, और यही कोण A त्रिभुज ACF में ही है, दोनों त्रिभुज में है। तो दोनों त्रिभुज में है, इसका मतलब उभयनिष्ठ है। तो लिख दिया जाएगा कोण ए इज इक्वल टू कोण ए। अब दोनों कोण इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं, तो ये यहाँ लिख दिया जाएगा उभयनिष्ठ है। अब देखिए क्या है, दो कोण बराबर हो गए और उनके बीच की एक भुजा बराबर हो गई। तो जो यहाँ पर सर्वांग समता कसौटी लगेगी वो होगी ASA, कोण भुजा कोण। तो यहाँ लिख दिया जाएगा ASA सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABE, और ये हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज ACF, और यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट आपका सिद्ध होता है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देख लीजिए, तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी यही CPCT है। तो CPCT में देखें क्या होगा कि इस त्रिभुज त्रिभुज ABE की भुजा AB और त्रिभुज ACF की भुजा AC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC, और यह CPCT से ये भी हो जाएगा दैट प्रूव्ड। तो अब इस प्रकार अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट था, ये सेकंड वाला पार्ट जो है सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ABC, फिगर देखिएगा, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखें ये ऊपर वाला त्रिभुज ABC यह भी समद्विबाहु त्रिभुज है, और नीचे वाला जो त्रिभुज DBC है यह भी समद्विबाहु त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज के आधार समान हैं। इस त्रिभुज का भी आधार BC है और इस त्रिभुज का भी आधार BC है। देखिए आकृति 7.33, ये आकृति 7.33 है, और इस तरह के चिन्ह का मतलब ये हुआ कि भुजा AB और भुजा AC आपस में बराबर है। और फिर यहाँ पर चिन्ह लगाने का मतलब ये हुआ कि भुजा BD और भुजा CD ये दोनों आपस में बराबर हैं।
तो दर्शाइए कि एंगल ए बी डी, जरा देखिए एंगल ए बी डी कौन होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी यह एंगल और यह एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। और यह भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो चले ध्यानपूर्वक देखें, शुरू करते हैं। तो अब जो है लिखा जाएगा, दिया है एक ही आधार, एक ही आधार बीसी पर बना दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एवं डी बी सी हैं, डी बी सी हैं। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज अब हम लोग सत्यापन करेंगे, सत्यापन यानी कि प्रूफ किया जाएगा, सत्यापन। और देखें हम ऊपर वाले त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए प्रश्न में दिया है कि भुजा ए सी और भुजा ए बी दोनों आपस में बराबर, ये चिन्ह लगे होने का मतलब कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी, और आप देखिए आपको पता है कि बराबर भुजा के सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो ए सी के सामने का जो कोण होगा वो ये होगा और ए बी के सामने का जो कोण होगा वो ये होगा, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। और ये बराबर क्यों है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण ये है, यहाँ लिख सकते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो लिख देंगे बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण। अब आ जाइए त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में देखिए ये भुजा सी डी और बी डी दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इस पर भी चिन्ह लगा हुआ है और जहाँ चिन्ह लगा होता है वो बराबर होते हैं, तो यहाँ लिख दिया जाएगा सी डी और ये बराबर है बी डी। तो अब देखिए बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो सी डी के सामने का कोण हो जाएगा सी बी डी और फिर ये हो जाएगा कोण बी सी डी, लिखा जाएगा कोण सी बी डी और ये इज इक्वल टू हो जाएगा कोण डी सी बी, डी सी बी ये हो गया समीकरण नंबर दो। और यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण। अब ज़रा देखिए समीकरण एक और दो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट को जोड़ेंगे और राइट के साथ राइट को जोड़ेंगे। यहाँ लिखा जाएगा समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा समीकरण दो
को जोड़ने पर समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, चलिए जोड़ रहे हैं, ये हो गया एंगल ए बी सी और प्लस हो जाएगा एंगल सी बी डी इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये है आपका एंगल ए सी बी और प्लस हो जाएगा एंगल डी सी बी। जरा ध्यान देना है फिगर में, एंगल ए बी सी देखिए, ये है एंगल ए बी सी और फिर सी बी डी ये है, तो इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी डी। यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, उसी तरह से एंगल ए सी बी देखिए, एंगल ए सी बी ये कोण है और एंगल डी सी बी ये कोण है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा एंगल ए सी डी, ये हो जाएगा एंगल ए सी डी। और यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो फिर यहाँ लास्ट में लिख देंगे, यही सिद्ध करना था, यानी दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।